गाड़ी कैसे चलाने से पहले क्या चेक करना है, सुबह ड्यूटी पे आने पे क्या चेक करना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ड्यूटी आने से पहले ये चेक करें कि गाड़ी की लाइट, बॉडी, टायर, उसका रनिंग बोर्ड, आपके हैंडल, आपका रियर व्यू मिरर, आपका सभी कांच बराबर है, नीचे कोई ऑयल तो नहीं गिरा हुआ है, ये चेक करना है। आगे हेडलाइट, मेन लाइट, डैशबोर्ड, नंबर प्लेट सभी बराबर है, ये आपको चेक करना है। पूरे गाड़ी का चक्कर लगाएं, वाइपर चेक करें, वाइपर बिल्कुल बराबर है। अभी हम इसका हुड खोलेंगे। हुड खोलने के लिए यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, उस स्विच के खोलने से गाड़ी का हुड खुल जाएगा। अभी हम ये इसका हुड है, इसको खींचने से आगे रिलीज हो जाता है। जब बोनट रिलीज हो गया, बोनट रिलीज होने के बाद अभी हम इसको ऊपर उठाएंगे। उठाने के बाद ये चेक करें कि इसका लॉक बराबर अपनी जगह पे लगा हुआ है। बोनेट गार्ड है, गाड़ी में देखने की चीज है, ये बैटरी है, ये फ्यूल फिल्टर है, ये आपको टर्बो चार्ज है, टर्बो कूलर है, ये रेडिएटर है, ये इंजन है, ये इंजन को ऑयल डालने का मेन स्विच है, ये आपका फैन बेल्ट है, ये आपका एसी बेल्ट है, ये आपका टर्बो चार्ज बेल्ट है, यहाँ पे कूलेंट का पानी रहता है, ये पानी आपको वाइपर ब्लेड साफ करने के लिए है, आपका विंडशील्ड साफ करने के लिए, ये फ्यूज बॉक्स है, ये स्टीयरिंग ऑयल है, ये आपका ब्रेक ऑयल है, ये आपका क्लच ऑयल है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ड्राइवर का फर्ज है ड्यूटी पे आने से पहले चेक करें कि क्लच ऑयल मैक्सिमम से ऊपर ना हो और मिनिमम से नीचे ना हो, ब्रेक भी मैक्सिमम से ऊपर नहीं, मिनिमम से नीचे नहीं, स्टीयरिंग ऑयल बराबर हो। इसको कभी भी आप रेडिएटर कैप को ना खोलें, इसमें कूलेंट डालने के लिए इस ढक्कन का प्रयोग करें। फैन बेल्ट चेक करें कि बराबर है, टूटी हुई नहीं है, रबर होजेस कनेक्टर टूटे हुए नहीं है, सारे वायरिंग्स बराबर हैं। आपका इसमें ये एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर जब रेड पर आ जाएगा तो हमें ये एयर फिल्टर साफ करना है। साथ में ये बैटरी, बैटरी के पॉइंट चेक करने हैं, बैटरी बराबर है। बैटरी को पॉइंट में सल्फेशन को रोकने के लिए आपको वैसलीन यूज़ करना है। अभी हम अंदर चलते हैं या बताएंगे। टायर का प्रेशर बराबर हो, जो मैन्युफैक्चरर ने बताया है वो टायर प्रेशर होना चाहिए। नट बराबर टाइट होने चाहिए, अगर नोजल पे कैप है तो कैप लगाएं। नीचे का पोर्शन बराबर हो वो आप चेक करें। अभी मैं आपको अंदर का इंटीरियर बताता हूँ। ड्राइवर को बैठने से पहले ये चेक करें, ये ड्राइविंग सीट है, ये लीवर है जिसके कारण सीट आगे पीछे होता है, इसको उठाएं और अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको सेट करें। ये स्विच डीजल टंकी को खोलने के लिए है, जिससे जब भी आपको डीजल की ज़रूरत है तो इसको खोल के आप डीजल भर सकते हैं। अभी ये ढक्कन, डीजल पीछे ढक्कन खुल गया है। दोस्तों, बैठने से पहले चेक करें ये बराबर है, स्टीयरिंग ज़्यादा लूज नहीं है, ये हेडलाइट स्विच है, ये स्विच
जितना लोड है उस ढंग से आपको एक दो तीन चार पे लेके जाना है। अगर चार आदमी तीन आदमी बैठे हैं तो तीन पे, दो है तो दो पे, जिससे कि हेडलाइट बराबर अपनी जगह पे रहेगी। ये हवा का वेंटिलेटर है, हवा इसमें से आती है। ये इसका डैशबोर्ड है, इसमें ये फ्यूल गेज है, ये टेम्परेचर गेज है, ये इसका टैकोमीटर और ऑडोमीटर है। ये इलेक्ट्रॉनिक होने से यहाँ पे आपकी आपको टैकोमीटर दिख रहा है, ऑडोमीटर दिख रहा है कितने हज़ार चली है, क्या टाइमिंग है। लाइट ऑन करने से सबसे ऊपर वाला जो स्विच है वो ऑयल का है, दूसरा जो लाइट है वो बैटरी की है, तीसरा है पार्किंग और पार्किंग का जो ऑयल है ब्रेक ऑयल है कि नहीं। जब गाड़ी स्टार्ट होती है ये तीनों लाइटें ऑफ होनी चाहिए। अगर ये लाइट ऑफ नहीं होती है, अगर ऊपर वाली ऑयल की चालू है इसका मतलब ऑयल कम है, दूसरी वाली चालू है तो इसका मतलब बैटरी या फैन बेल्ट नहीं चल रहा है, तीसरी लाइट अगर ऑन है स्टार्ट होने के बाद इसका मतलब या तो हैंड ब्रेक लगा हुआ है या फिर आपके ब्रेक ऑयल नहीं है। ये हमारा हैंड ब्रेक है, आपने ये देखा हैंड ब्रेक करने से लाइट चली गई है। अब आप देखिए इसमें लाइट चली गई है, अभी मैं हैंड ब्रेक लगाऊंगा तो लाइट आ जाएगी। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये सभी लाइटें चली गई, इसका मतलब सिस्टम हमारे ऑन है, फ्यूल हमारा दिख रहा है और टेम्परेचर गेज मेरा काम कर रहा है। दोस्तों इसके साथ में इसमें एसी का स्विच दिया हुआ है, इस स्विच से दबाने से हवा अंदर की अंदर घूमती है। अगर हमें एसी का इफेक्ट ज़्यादा चाहिए तो हमें ये स्विच को ऑन करना है। ये फैन की स्पीड है, जितना तेज चलाएंगे उतना तेज फैन चलेगा। ये एसी का स्विच है, अभी यह ऑन है, जितना ठंडा चाहिए ये गर्म हम कर सकते हैं। ये स्विच से हवा ऊपर पैर में, नीचे ऊपर, उसका डायरेक्शन बदलता है। और ये स्विचेस हमें ध्यान से, और ये हमारे यहाँ पे हजार्ड लाइट है, इसको दबाने से चारों लाइटें साइड इंडिकेटर चालू हो जाएंगे। हजार्ड लाइट का मतलब इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, बाकी गाड़ी बच के चलें या बचाव करें। अभी हमने गाड़ी बंद कर दी है और निकलने से पहले चेक करें सभी स्विच बंद है और हैंड ब्रेक लगाएं और गाड़ी के बाहर निकलें। धन्यवाद।